माय डियर सन्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में चेंज करना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है यह आपकी बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 9th से लेकर 12th तक चलता है। उसके अलावा भी आपको अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्टिव और पैसिव के बारे में, जिनमें बाई का यूज नहीं किया जाता है। अक्सर बच्चे बाई का यूज हमेशा पढ़े रहते हैं और क्वेश्चन आता है तो हर जगह बाई लगाते हैं, जिनके कारण जो है उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऐसे कौन से सेंटेंस हैं, कौन से वर्ब हैं जिनके साथ बाई का यूज नहीं किया जाता है। आपको पता होगा जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सब्जेक्ट के पहले बाई का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस अगर आपको देखने को मिले, ऐसे मेन वर्ड्स आपको देखने को मिले, तो बाई का यूज ना करके कोई अदर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल होता है और एग्ज़ाम में आजकल जो है बोर्ड एग्ज़ाम में यही प्रश्न उठा के देता है, बच्चे गलत कर देते हैं बाई लगा के, ठीक है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, अदर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होता है जिसको कहते हैं कर्तृवाच, और पैसिव वॉइस माने कर्मवाच होता है। कर्तृवाच का मतलब होता है ऐसा वाच जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, ठीक है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जो भी कार्य होता है वो कर्ता के द्वारा होता है। और पैसिव वॉइस कर्म प्रधान होता है, यानी कर्म इसमें कर्म प्रधान होता है, यानी जो भी काम होता है वो कर्म के द्वारा होता है, ठीक है। तो एक कर्तृवाच होता है एक्टिव, और पैसिव कर्मवाच होता है। तो इंग्लिश में दो प्रकार के वाच होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने लिखा है अदर प्रीपोजिशंस यूज्ड इन प्लेस ऑफ बाई। बाई के स्थान पर प्रयोग होने वाले अन्य प्रीपोजिशन, यानी बाई के स्थान पर अदर प्रीपोजिशन याद करेंगे। हमने कुछ यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण है, मेन वर्ड्स हैं जिनके साथ क्या क्या प्रीपोजिशन आप प्रयोग कर पाएंगे। देखें टू में है नोन और कंपेयर्ड, इसके साथ आपको लिसन और प्रीफर भी कर सकते हैं आप। इसी महत्वपूर्ण जो आपका है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, पूछा जाता है, वो आपका नोन के साथ। जो अगर नोन आता है तो समझ लीजिए नो, नो का कोई फॉर्म आए, क्योंकि थर्ड फॉर्म में ही पैसिव वॉइस बनता है, जानते हैं, इसीलिए जो हमने लिखा है सब थर्ड फॉर्म में बना के रखा है। अगर नोन आता है टू, कंपेयर्ड है तब भी टू, लिसनड है तब भी टू, और प्रीफर्ड है तब भी टू। और इन किसके लिए लगता है, कंटेंड, कंटेंड मतलब रखना होता है, इंगेज्ड माने शामिल होना या लग जाना किसी काम में, इंटरेस्टेड रुचिकर इनगल्फ्ड मतलब निकल जाना। अगर ऐसे वर्ब्स आते हैं तो वहाँ पे बाई का यूज ना करके आप इनका यूज करेंगे, ठीक है। ऐड का यूज कहाँ करना है, सरप्राइज्ड हो, अस्टोनिश्ड हो, अमेज्ड हो, इनका मतलब होता है आश्चर्यचकित। मैरिड है, अम्यूज्ड माने आनंदित होना, रिजाइस है प्रसन्न होना, एनाइड नाराज होना, प्लीज अगर किए समथिंग्स यानी कोई वस्तु से आप प्लीज खुश हो तो वहाँ भी ऐड लगता है। डिसप्लीज्ड, किसी वस्तु से आप डिसप्लीज माने ना खुश हैं तो, ठीक है, कोई वस्तु हो समथिंग माने कोई वस्तु। साग्ड हो, डिसअपॉइंटेड होता है निराश होना, और अलार्म्ड माने चेतावनी देना। अगर ऐसे वर्ब्स आते हैं तो वहाँ पे आप बाई का यूज ना करके ऐड का यूज करेंगे, ठीक है। और विथ वाले की कुछ भी है उसको देख लें, विथ किसके साथ विथ लगाना, कवर्ड है, सेटिस्फाइड है, डिसगस्ट है, ठीक है, प्लीज्ड है। अब यहाँ पे समवन है, यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ प्लीज्ड समथिंग था, समथिंग माने कोई वस्तु होगी, कोई चीज़ होगी जिससे आप लोग खुश हैं तो, और डिसप्लीज्ड यानी ना खुश हैं किसी किसी जो है वस्तु से। तो अगर समथिंग कोई वस्तु होगा तो ऐड लगाएंगे, लेकिन अगर प्लीज्ड डिसप्लीज्ड में कोई समवन यानी कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति के साथ आप विद का यूज करेंगे। देखेंगे प्लीज्ड समवन लिखा है, समवन माने कोई व्यक्ति, यहाँ प्लीज्ड समथिंग लिखा हुआ है, डिसप्लीज्ड है वहाँ समथिंग है, यहाँ डिसप्लीज समवन, तो समवन यानी कोई व्यक्ति के रूप में होता है। इम्प्रेस्ड है, डेकोरेटेड है, फील्ड है, इनके साथ जो है आप विथ का यूज करेंगे, यानी ऐसे शब्दों के साथ बाई का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा
कुछ चीज़ें समझना होगा और याद भी करना होगा। इनको आप याद कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो याद रहेगा, तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि जो ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये है आपका जो अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ वो अक्सर पूछे जाते हैं। इसको देगा कवर्ड है, यहाँ सेटिस्फाइड हो जाएगा, प्लीज डिसप्लीज हो जाएगा और डिस्कस्टेस हो जाएगा, ठीक है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज हम लोग इसी चीज़ों को समझेंगे, बिना बाई के ही प्रीपोजिशन बनाएंगे। तो बिना बाई वाले प्रीपोजिशन के रूप में बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग एक्टिव पैसिव देखेंगे। एक्टिव से पैसिव बनाते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। देखें, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करें। देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्टिव। जब एक्टिव है तो वहाँ पे कर्ता की प्रधानता होगी, यानी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होगा तो हो सकता है हेल्पिंग वर्ब्स हो या नहीं भी हेल्पिंग वर्ब्स हो, तो वर्ब हो जाता है क्योंकि उसी वर्ब में ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब शामिल होते हैं, ठीक है। और मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। जब इस क्रम में लिखा होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो समझते हो एक्टिव ऐसे नहीं कर्तृवाच्य है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। लेकिन वही चीज़ उल्टा हो जाए, स्टार्टिंग कर्ता से ना होके कर्म से होने लगे, तो उसको पैसिव वॉइस बोलेंगे। स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और इन्हीं स्ट्रक्चर से सभी टेंसों के पैसिव वॉइस बना पाएंगे। अलग से टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको सभी टेंस की सहायक क्रिया याद होनी चाहिए, बस इतने से आपको कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से काम हो रहा है तो एक्टिव वॉइस, और ऑब्जेक्ट से काम होता है तो पैसिव वॉइस, बस इतने कर लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा पहले स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे। और उसके बाद जो वर्ब होगा, देखें यहाँ पे एक्टिव में हेल्पिंग वॉइस नहीं भी हो सकता, चल जाएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब दोनों लिखा जाएगा। दो वर्ब होते हैं आपको पता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। ये क्या होता है, मेन वर्ब। और जो मेन वर्ब होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। और पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब बन के आएगा वो थर्ड फॉर्म आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना, यही गलत होता है। कोई भी टेंस हो, अगर आप उसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म, और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखें, एक्टिव वॉइस में वर्ब में हेल्पिंग वर्ब नहीं भी दिया रहेगा, मेन वर्ब दिया रह सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो दोनों वर्ब्स लिखने हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होगा और मेन वर्ब भी होगा। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, हेल्पिंग वर्ब टेंस का होता है और मेन वर्ब जो होगा उसका थर्ड फॉर्म बना लेंगे। उसके बाद बसता के वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। चूंकि ऑब्जेक्ट हम लोग पहले ही रख लेते हैं पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट ना होकर पीछे क्या बचता है, सब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे कौन आ गया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन जाएगा, सब्जेक्ट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको थोड़ा समझने लायक है, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले क्या होता है, यहाँ पे बाई का यूज किया जाता है। इसके आप पहले पढ़ चुके होंगे कि पैसिव वॉइस में बाई जो है सब्जेक्ट के पहले आता है, तो हर जगह बाई का यूज नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो जगह सब्जेक्ट के पहले है वहाँ पे प्रीपोजिशन होता है। बाई क्या है, प्रीपोजिशन है, या तो बाई हो सकता है या तो बाई के अलावा अदर प्रीपोजिशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अदर प्रीपोजिशंस। यही चीज़ आपको ध्यान देना है, बस हो गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से ही, अगर स्ट्रक्चर आपका गलत है तो आप पैसिव वॉइस भी गलत कर पाएंगे। ध्यान से देखेंगे, एक्टिव में सब्जेक्ट प्रधानता प्रधान होती है, पैसिव में ऑब्जेक्ट होती है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट कर देना है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या कर देना है, सब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट करेंगे वहाँ पे कोई ना कोई प्रीपोजिशन जरूर आएगा, या तो बाई आएगा या तो अदर प्रीपोजिशन आएगा। और हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब्स होता है वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और जो मेन वर्ब आएगा थर्ड वर्ब हमें आएगा। बस इसी चीज़ को ध्यान देना है। और भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग बी बीन बीइंग का भी यूज करते हैं, वो टेंस के हिसाब से होता है, ठीक है। बी बीन बीइंग कहाँ करेंगे उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि बी बीन बीइंग ऐसे चीज़ों का यूज कब कैसे करेंगे। चलिए, इसमें मैं अभी सिर्फ लिया हूँ
इंडिफिनिट का ही प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट के टेंसों को मस्जिद आगे वीडियो में आप सीखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है पहला प्रश्न, सोशल वर्क्स, सोशल वर्क इंटरेस्टेड मी, यानी सामाजिक कार्य में मेरी रुचि है, सामाजिक कार्य में मेरी रुचि है, बस आपको करना क्या है, आपको यहाँ ढूंढना होगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, गलत कराएंगे। मेन चीज़ों से चाहे चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एक्टिव पैसिव हो, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट माने जिसके द्वारा कार्य हो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के द्वारा जो काम होता है वही उसकी वर्ब होती है, उस काम का नाम ही इसका ऑब्जेक्ट होगा। देखिए सोशल वर्क यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, और यहाँ इंटरेस्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब्स होता है, इंटरेस्ट क्या है एक वर्ब्स है, और मी क्या होता है, यह होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो व्यक्ति से रिलेटेड हो, प्रोनाउन से बने हुए वो सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, लेकिन मी ऑब्जेक्टिव केस में पहले से है, लेकिन जब आता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे वो सब्जेक्टिव केस में हो जाता है। बात आपको पता होना चाहिए, कुछ ऐसे प्रोनाउन है जिनके ऑब्जेक्ट से आई लिखा है तो आई का मी होता है, और फिर जब मी होता है तो उसको बदल के हम आई कर देते हैं, ही का हिम होता है, अगर हिम है तो ही कर देते हैं, ठीक है। पहले से ही अगर ऑब्जेक्ट हो चुके हैं तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इधर लेके तो मी आएगा आगे ऑब्जेक्टिव रूप में, तो यह मी हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में, आई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे टेंस के हिसाब से, यहाँ पे देख पा रहे हैं जब वर्ब में यस या यस लगा हो तो समझ लीजिए कि यह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई सहायक क्रिया भी नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम लोग सहायक क्रिया क्या रखेंगे, डू डज नहीं रखना है, सिंपल में आएंगे सिंपल प्रेजेंट में तो इज एम आर होगा, ठीक है। तो इज एम आर, तो आई के साथ क्या लगेगा सहायक क्रिया में, आई एम लगेगा, यानी ऑब्जेक्ट हो गया आई के रूप में, हेलमेंट्स हो गया आई एम। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म इंटरेस्ट वर्ब है, यही वर्ब है इंटरेस्ट, इसी का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म इंटरेस्ट हो जाएगा आई एन टी ई आर ई एस टी, इंटरेस्टेड, बस कर लीजिए इंटरेस्ट। उसके बाद ध्यान से देखेंगे जो इंटरेस्ट है यह बाई से अलावा है, हटके है कि नहीं है, तो ध्यान से देखें इंटरेस्ट में कहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है, सेकंड नंबर में आप देख पा रहे हैं इन वाले में इंटरेस्टेड है, ठीक है, इंटरेस्टेड में हमारा बन चुका है। अब इंटरेस्ट है तो आप बाई का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लिखा है कि बाई के स्थान पर प्रयोग होने वाले अन्य प्रीपोजिशन, तो इंटरेस्ट में इन, उसके नामे में इन छिपा हुआ है, आपको कहीं ढूंढना भी नहीं है, इंटरेस्ट में पहला ही अक्षर दो जो होता है वो इन होता है, तो इंटरेस्ट में आप इन लगा लेंगे, कहीं कन्फ्यूज होना नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा ली, अब सब्जेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के साथ इन का यूज किया जाता है, बाई का यूज नहीं करते, तो यहाँ पर मैं इन का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद बचता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सोशल वर्क्स, ये सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा, तो सोशल वर्क, तो हो गया आई एम इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, बहुत सिंपल सा है, बस आपको समझने की देरी है। चलिए हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड ऑल ऑफ अस, यानी उसका व्यवहार जो है हम सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, या उसके व्यवहार से हम सभी आश्चर्यचकित थे, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हो जा रहा है हिज बिहेवियर, और यहाँ जो सरप्राइज्ड है, आश्चर्यचकित करना ही एक वर्ब्स होता है, ठीक है। अब ऑल ऑफ अस जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गए वर्ब की बात, तो ऑब्जेक्ट को ही पहले लिखेंगे, तो ऑल ऑफ अस इसको आप पहले लिखेंगे, ऑल ऑफ अस इस सब्जेक्ट, अब टेंस ढूंढेंगे और टेंस की हम सहायक क्रिया लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें जब कोई सहायक क्रिया ना दिया हो और उसके पीछे ईडी लगा हो, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो समझ लीजिए वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पैसिव वॉइस के लिए सहायक क्रिया वाज वेयर लगाते हैं, सिंपल पास्ट के लिए वाज, एक वचन के लिए वाज, बहुवचन के लिए वेयर, चूँकि आल लग गया है तो आल माने होता सभी, बहुवचन है तो इसलिए वाज नहीं लगाएंगे हम, वेयर लगाएंगे सहायक क्रिया में। आप स्ट्रक्चर देख पाएंगे, ऑब्जेक्ट लिख दिया ऑल ऑफ अस, हेल्पिंग अस वर्ब हो गया पास्ट के लिए। वर्ब जो है थर्ड में देखिए, जिसके पीछे ईडी लगा होता है जिस वर्ब में, उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही होता है, बस अर्थ बदलते हैं, ठीक है। तो
ईडी वाले, तो सरप्राइज्ड हमारा लिख दीजिए ऐसे, मेन वर्ब होगा सरप्राइज्ड। वर्ब के बाद आता है कोई प्रीपोजिशन, तब हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन आएगा। अब देखें सरप्राइज्ड में आप बाई नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि सरप्राइज्ड आप देख पा रहे हैं एट वाले में आता है। क्या आता है? पहला देख पा रहे हैं सरप्राइज्ड अगर है तो एट लगाते हैं, यानी बाई का यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए सरप्राइज्ड आ गया तो यहाँ पे एट लगा लेंगे, ठीक है, बाई का यूज नहीं करेंगे, मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हिज बिहेवियर। तो हो गया ऑल ऑफ अस वेयर सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। तो इस तरह से इसका भी पैसिव वाइज कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रश्न देखेंगे, द जग कंटेन्स मिल्क, यानी जग में दूध है, कंटेन्स मीन्स होता है रखना, तो जब कंटेन की चीज़ आए तो वहाँ पे रखा गया है, गिलास में ही तो दूध रखा जाएगा, तो गिलास में दूध है, तो कंटेन, अब देखें द जग क्या है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अब कंटेन माने रखना है, वो क्या है, एक वर्ब का काम कर रहा है, अब मिल्क क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो पैसिव वाइज बना रहे हैं तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है मिल्क, यहाँ मिल्क लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए पैसिव वाइज में, तो देखेंगे टेंस के हिसाब से, टेंस कौन सा है, तो हमने बताया कि जिस वर्ब में एस या एस देखने को मिले वह आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पैसिव वाइज में प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया इज एम आर होती है, एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर, आई सा टाइम। चूंकि मिल्क है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप ना गिन पाएँ वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे हम लोग इज लगाएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब कंटेन है तो कंटेन का थर्ड फॉर्म कंटेंड हो जाएगा, सी यू एन टी ए आई एन ई डी, कंटेंड हो जाएगा। अब कंटेंड देखें किस में आ रहा है, कंटेंड के साथ वर्ब के साथ बाई लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो कंटेन क्या हो रहा है यहाँ पे, इन वाले में ही पहला आप देख पा रहे हैं सब वर्ड जो वर्ब है कंटेंड लिखा हुआ है, तो कंटेंड किस में आया, इन, तो कंटेंड के साथ क्या लगेगा, इन लगेगा, यानी बाई का यूज यहाँ नहीं करना है, यानी प्रीपोजिशन में बाई या तो अदर, तो इन लग गया। अब आएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, द जग होगा, द जग। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हुआ कि मिल्क इज कंटेंड इन जग हो गया। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, देयर सक्सेस, यहाँ पे देयर की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही कर लीजिए आप, टी एच ई आई आर हो जाएगा, ठीक है, देयर उनकी टी एच ई आई आर, देयर सक्सेस रिजाइज द टीचर, उनकी सफलता से अध्यापक प्रसन्न थे, हैं, ठीक है, उनकी सफलता से अध्यापक प्रसन्न है। तो यहाँ पे कुछ आपको ढूंढना है, बस वर्ब ढूंढेंगे, यहाँ पे देयर सक्सेस सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और रिजाइजेज यानी देखें यस या यस लग गया, ईडी लग गया, तो समझ लीजिए वह आपका मेन वर्ब है, जिसमें यस लगा हो, ईएस लगा हो, ईडी लग गया हो, तो समझ लीजिए वह मेन वर्ब है, और द टीचर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो उसको पैसिव बनाएंगे, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट का काम हो रहा है, कर रहे हैं द टीचर, द टीचर ये ऑब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट के बाद आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स, देखिए यस या यस लग जाता है तो वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर, तो टीचर एक वचन की बात हो रही है तो यहाँ पे इज लगाएंगे। उसके बाद जो आएगा मेन वर्ब उसका थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब तो रिजाइज है, उसका थर्ड फॉर्म रिजाइजेड होगा, आर ई जी ओ आई सी डी रिजाइज्ड, ठीक। अब यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद कोई प्रीपोजिशन आएगा, या तो बाई आए या तो अदर प्रीपोजिशन आए, चूँकि रिजाइजेज है, अब आप देख पा रहे हैं कि अंडरलाइन क्या मैंने किया है, रिजाइज्ड, ठीक है, रिजाइज्ड यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे सर यहाँ पे देखें गलत हो गया, ये आर ही, इसको आर कहेंगे, जी नहीं, रिजाइज्ड, रिजाइज्ड किस में आता है, एट में आता है, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट कौन है, देयर सक्सेस, देयर सक्सेस, तो हो गया द टीचर इज रिजाइज्ड एज देयर सक्सेस। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, स्नो कवर्ड द रूफ, यानी जो बर्फ है छत को ढक लिए थे, ठीक है, बर्फ जो है छत को ढक लिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ स्नो बर्फ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कवर्ड माने होता ढकना, इच्छु की खुद पास्ट में है, ये वर्ब है, और द रूफ इसके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो पैसिव वाइज बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे,
ऑब्जेक्ट है द रूप्स, द रूप्स। अब टेंस के हिसाब से उसकी सहायक क्रिया लगाएंगे, चूंकि ईडी लग गया है और सहायक क्रिया नहीं भी दी है। जब सहायक क्रिया ना दे हो दिया रहे तो समझ लीजिए या तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाए तो समझ लीजिए वह पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब्स वाज वर लगाएंगे, तो रूप्स बहुवचन हो गए, यस लग गया, तो यहाँ पे हम वर लगाएंगे, वाज नहीं लगाएंगे। अगर रूफ होता तो वाज लगा लेते। सहायक क्रिया के तुरंत बाद मेन वर्ब्स आता है, मेन वर्ब कवर्ड है और उसका थर्ड फॉर्म भी वही होगा जो लिखा हुआ है, सी यू वी ई आर ई डी, कवर्ड। ठीक, अब कवर्ड के साथ देखेंगे बाई लगता है या अदर प्रीपोजिशन लगता है। तो कवर्ड यहाँ पे देखें विद वाले में कवर्ड पहले ही नंबर पे है, कवर्ड में ढकाना है, तो इसके लिए कवर्ड के साथ क्या लगाएंगे, विथ। तो यहाँ पे विथ लगाएंगे, कवर्ड विथ, विथ आएगा। और सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है स्नो, एस एन ओ डब्ल्यू, तो हो गया द रूप्स वेयर कवर्ड विथ स्नो। इस तरह से आपकी पैसिव वॉइस कंप्लीट हुई, जिसमें हम लोग बाई के जगह पर कोई अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। ऐसे ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, अगर आप लोग बाई का यूज हमेशा कर रहे हैं तो उस चीज़ पे ध्यान दें कि हर जगह बाई का यूज नहीं किया जाता है। और ऐसे वर्ब्स याद कर लें जिनके साथ बाई ना लग के कोई दूसरा प्रीपोजिशन लगता है, किसके साथ टू है, किसके साथ इन है, एट है, विद है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, हम उसका जो है रिप्लाई देंगे कि आपका प्रश्न सही है या नहीं। तो क्वेश्चन है, द विक्ट्री ऑफ आवर क्रिकेट टीम प्लीज्ड अस, यानी हमारे क्रिकेट टीम की विजय ही हमें खुश की। ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे हम वीडियो बनाते रहें। इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।